यूपी के आरिफ की कहानी तो आप सबने सुनी है, जो सारस के साथ काफी चर्चा में आए और सारस को पालना उन्हें भारी पड़ गया। अब बिहार के भागलपुर के कलीम और उनके मिट्ठू की दोस्ती इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल इनकी जुगलबंदी ठीक वैसे ही नजर आती है जैसे यूपी में आरिफ और सारस की रही। भागलपुर के कलीम जहां जाते हैं वहीं ये तोता भी निकल पड़ता है। कलीम बरारी थाना क्षेत्र के कुप्पा घाट मायागंज के निवासी हैं और बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। पांच महीने से क्या नाम रखे हैं इसका? जेमी रखे हैं। अभी हम देखें कि तिलका मांझी के रोड पे आप इसको फराटेदार बाइक पे बैठ के घुमा कंधे पे, ये इसी तरह खुले मैदान में हमारे साथ चलते रहते हैं। अच्छा, और क्या कुछ खासियत है कि ये बोलता उलता है कुछ? क्या बोलता तो है, हर चीज बोलता है हमारे साथ। इन दोनों की दोस्ती देख सभी हैरान है। बाइक चलाते समय भी ये इनके कंधे पर नजर आता है। कलीम जब ऑफिस आने लगते हैं तो तोता भी उनके कंधे पर बैठ जाता है। शेख कलीम भी अपने कंधे पर उसे बैठाकर बाइक से उसे अपने ऑफिस ले आते हैं और फिर शाम को अपने घर वापस चले जाते हैं। कहीं भागता तो नहीं कंधे पे लेके आप चला बाइक चलाते आ रहे थे? कहीं भागते नहीं है। अभी जैसे यहाँ भी आए, ऑफिस आए, यहाँ जितने आदमी इनको परेशान करेंगे ये हर तरह की आवाज निकालेंगे, बोलेंगे उसको। दूसरों के कंधे पे जाता है क्या? जाते हैं, मगर उनको परेशान करते, कभी कान काटेंगे, कभी गर्दन काटेंगे, इस तरह से। आपको कुछ नहीं करता? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं। आपके बच्चों को? मेरे बच्चों को भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कलीम और तोते की दोस्ती परवान कैसे चढ़ी? तो आपको यहाँ बता दें कि एक दिन कलीम जब ऑफिस से घर लौटे तो उनके बच्चों ने तोता पकड़ा था। तोता कहीं से उड़ते हुए उनके घर पहुंचा था। तोता घायल था। ऐसे में कलीम ने एक महीने तक उनकी खूब सेवा की, जिसके बाद से कलीम उनका दोस्त बन गया और उनके साथ रहने लगा। ईटीवी भारत के लिए भागलपुर से रजनीकांत उपाध्याय की रिपोर्ट।